मम्मी का छोटू बेबी कौन है? तुम हो ना? नहीं, ये डैडी का छोटू पहलवान है, है ना? हम में से एक को तो मिस्टर फ्रांसिस के साथ पेट सम्मेलन में जाना ही होगा। ओ, वेगस में। एक बात कहूँ, तुम चले जाओ। नहीं नहीं, तुम चले तुम्हें जाओ। ब्रेक की जरूरत है। मैं बेबी को संभाल लूंगा। चलो बेबी से पूछ लेते हैं, किसके साथ रहना चाहते हो, डैडी या मम्मी? या डैडी? मम्मी चाहिए है। ओके, मुझे कुछ कहना है। अकेले में प्लीज। जरूर। किस बारे में बेटा? इस बेबी के बारे में। छोटा भाई टिम। भाई, पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा ये, इसे जानते भी नहीं तो भरोसा कैसे करें? कम ऑन, ये बस एक छोटा बे। सच में, क्या इस घर में सिर्फ मुझे ही लगता है कि ये बेबी कुछ अजीब है? टिम, आपको नहीं दिखता? वो एक सूट पहनता है। देखो ना, कितना प्यारा है, एक छोटा सा मर्द। उसके पास एक ब्रीफ केस है। क्या आपको नहीं लगता ये कुछ क्या कहूँ, अजीब सी बात है? तुम भी तो कितने सालों तक लैम लैम को साथ लिए घूमते थे। लैम लैम को बीच में मत लाइए आप। सारे बेबीज अलग होते हैं टिम, और हर बेबी स्पेशल है। वो पूरे घर पे कब्जा जमा रहा है। क्या तुमने घर पे कब्जा जमाया? हाँ जमाया, जमाया ना। यकीन मानो, वो दिन आएगा जब तुम इसे समझोगे, तब तुम इसे बहुत प्यार करोगे, अपने पूरे दिल से, जैसे हम करते हैं। अपने पूरे दिल से? कभी नहीं। अरे, मुझे सुलाना भूल गए? हम मंडे को कर लेंगे मिस्टर फ्रांसिस। रोना नहीं, रोना नहीं। हेलो, मैंने मॉम डैड को तो काफी हद तक पटा लिया है। ओ, वही पुराना आजमाया तरीका, नींद की कमी, भूख हड़ताल, दोनों बहुत चकराए हुए हैं। वो मेरी उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, बड़ा मजा आता है। पर लगता है उस लड़के को थोड़ा शक हो रहा है। नहीं, मैं उसे संभाल लूंगा। मुझे मालूम है ये मिशन कंपनी के लिए कितना जरूरी है। मिशन? भरोसा रखिए मैम, इस काम के लिए आपने सही बेबी चुना है। मुझे भी TIM से निपटना होगा। तुम बोल सकते हो? गू गू गागा। नहीं, तुम सच में बोल सकते हो, मैंने खुद सुना। ओके, मैं बोल सकता हूँ, अब देखते हैं क्या तुम सुन सकते हो। मेरे लिए एक डबल एस्प्रेसो लाओ और देखो यहाँ अच्छी इडली डोसा चटनी कहाँ मिलती है। मैं मरा जा रहा हूँ मसालेदार स्प्रिंग रोल खाने को, और छुट्टे तुम रख लेना। कौन हो तुम? ये समझ लो कि मैं हूँ बॉस। तुम और बॉस? तुम एक बेबी हो, तुम डायपर पहनते हो। तुम जानते हो और कौन डायपर्स पहनते हैं? एस्ट्रोनॉट्स और फॉर्मूला वन रेसर्स, इसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। जानते हो, छोटा बच्चा साल में 45 घंटे पॉटी पर बिताता है, पर मैं बॉस हूँ, मेरे पास इन सब के लिए फुर्सत नहीं है। मगर तुम मेरे बॉस नहीं। मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम नहीं हो। मैं हूँ। 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 मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं यहाँ पहले से हूँ। मॉम डैड को इस बात का जरा पता तो चलने दो। अच्छा, तुम्हें लगता है वो मेरी नहीं तुम्हारी सुनेंगे? तुम अपने कारनामे भूल गए? तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। तो तुम मुझसे सुनना चाहते हो? हाँ, तो ठीक है। टेम्पलटन टिमोथी, मिडिल नेम लड़की के नाम जैसा, लेस्ली, ज्यादातर सी ग्रेड। तुम्हें कैसे पता? बिना ट्रेनिंग व्हील के साइकिल नहीं चला सकता, भालू भी बिना ट्रेनिंग व्हील्स के साइकिल चला लेते हैं। लेस्ली, बर्थ डेट कहती है, तुम 7 साल के हो? 7.5 साल का। पावर झपकी, तुमने कुछ कहा? मैं 7.5 साल। यही तो, तुम पुराने हो गए हो। वक्त आ गया है अगली पीढ़ी के लिए जगह बनाने का। दुनिया में यही होता है, कोई अपने मॉम डैड से भला पुराना खिलौना मांगता है क्या? लैम लैम, सभी को चाहिए ताजा नई चीज। लैम लैम, मेरे पास नई बैटरीज है। मॉम और डैड तुम्हें जानते तक नहीं, वो मुझे प्यार करते हैं। ओ अच्छा, हिसाब लगा लो बच्चे, यह देने के लिए प्यार बस मुट्ठी भर है, मान लो इन बीड्स जितना।
तुम्हारे पास मॉम डैड का सारा प्यार था, उनका सारा टाइम था, उनका पूरा ध्यान था, तुम्हारे पास सारे बीड्स थे। फिर मैं यहाँ आ गया। बेबीज को बहुत टाइम देना पड़ता है, उन्हें ध्यान की जरूरत होती है, उन्हें पूरा प्यार भी मिलता है। हम दोनों शेयर कर लेंगे। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम बिजनेस स्कूल नहीं गए हो। देखो टेम्पल्टन, तुम हिसाब समझ नहीं रहे हो। यहाँ प्यार काफी नहीं है हम दोनों के लिए। ज्यादा बीड्स हैं ही कहाँ जो शेयर कर सकें। और फिर अचानक से टिम के लिए कोई जगह ही नहीं बची। टिम अब यहाँ फिट नहीं होता। ओ नहीं, बेचारा टिम। तो चुप बैठो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, वरना तुम्हारा यहाँ से टाटा बाय बाय। अपनी फैमिली से कोई निकाला नहीं जाता। जाता है क्या?